नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के इंदौर में आर्मी में 30 वर्ष की सेवा देने के पश्चात रिटायर्ड हुए हैं। आर्मी में सूबेदार पद से रिटायर्ड होने पर बेटमा नगर के लोगों ने रैली निकालकर खुशियां मनाई। बेटमा नगर के निवासी सोहनलाल कुशवाहा के आर्मी में सूबेदार पद से रिटायर्ड होने पर बेटमा नगर के लोगों ने रैली निकालकर खुशियां मनाई। रिटायर्ड ऑफिसर सोहनलाल कुशवाहा की कारगिल युद्ध में देश सेवा के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका रही। अपने नगर के वीर जवान एवं सच्चे देशभक्त के रिटायर्ड होने पर बेटमा नगर की जनता में काफी उत्साह देखने को मिला एवं नगर का माहौल बहुत खुशनुमा रहा। इंदौर जिला ब्यूरो संजय सिंह की रिपोर्ट। ये बताइए सर, ये जो रैली निकाली जा रही है किस उसमें निकाली जा रही है? ये आज हमारे भाई कुशवाहा समाज के सोहनलाल जी कुशवाहा आर्मी में 30 वर्ष की सेवा के बाद में सूबेदार के पद से रिटायर होकर के जिला नगर बेटमा पर आक्रमण हुआ है, उसके उपलक्ष्य में रैली निकाली जा रही है। क्या नाम है सर का जो रिटायर हुए, इनका नाम क्या है? सोहनलाल जी कुशवाहा। सोहनलाल जी कुशवाहा प्रॉपर बेटमा से रहने वाले हैं? जी कुशवाहा कुशवाहा समाज से बिलोंग करते हैं। कुशवाहा समाज का एक बहुत बड़ा तबका बेटमा में रहता है, सभी लोगों में खुशी का माहौल है और आज उनके रिटायरमेंट होने के उपलक्ष्य में बेटमा नगर में गृह प्रवेश पर रैली निकाली जा रही है। ये रैली क्यों निकाली जा रही है? ये कारगिल युद्ध का जो था हमारे हुए वो उनके ये जो रैली निकाली जा रही है किस उपलक्ष्य में निकाली जा रही है? पूर्व सैनिक का आज मतलब अंतिम यात्रा मतलब पूर्ण हुए उनके आज आए, ये मतलब रिटायर होकर आए इसी खुशी में यहाँ पर कंप्यूटर डिफेंस अकेडमी के द्वारा ताला खा चुके हैं और यहाँ पर समारोह चल रहा है अभी तक। ये कौन से गांव के रहने वाले हैं सैनिक? ये यहीं के रहने वाले हैं, प्रॉपर बेटमा के हैं। ये रिटायर होकर आए, इसके उसमें रैली निकाली जा रही है, मनाई जा रही है यहाँ पर, खुशियाँ मनाई जा रही है। भारत माता की जय। भारत माता की जय।